शिवम ठंडे दिमाग से सोचो, क्या प्रीति को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? यह बात प्यार की नहीं है, बात यह है कि उसने हरकत कैसे की। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रीति ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई। अरे हम दोनों के बारे में सब कुछ मालूम था शादी से पहले उसको। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी तुम्हारे बारे में बात किया करता था उससे। हो सकता है वो बेचारी डर गई हो तुम। अरे किस बात का डर? हाँ भाई उसका, कम से कम एक बार तो शेयर कर सकती थी ना मुझसे। सबकी बदनामी हो चुकी है, तुम सोचो हमारे घर की क्या इज्जत रह चुकी है। तुम प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज हाँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? या इस बार तो कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये सिचुएशन किसी के भी घर पे होती तो हर कोई ऐसा ही रिएक्ट करता। हाँ भैया तुम ध्यान से सोचो, अगर आज के बाद तुम माँ नमिता प्रीति तुम चारों में से कोई भी घर के बाहर निकलेगा तो लोग तुम तीनों के लिए, तुम चारों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। भैया ये कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं, एक दूसरे के सामने बंद होते हैं। अगर यही बात घर के अंदर खुली होती तो हम प्रीति की शादी कर देते और किसी को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सबके सामने खुल चुकी है। अगर उसके बावजूद भी हम प्रीति की शादी कर देंगे तब भी लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। अब इसका असर नमिता की जिंदगी पर भी पड़ेगा, उसके लिए भी रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तो शिवम ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है। प्रीति और मोहित ने रेडियो रेडियो पे जो भी बोला वो जानबूझ के नहीं बोला होगा। और मुझे कल ही पता चल गया था कि प्रीति और मोहित के भी पता चल गया था तुम्हें। हाँ क्या पता चल गया था तुम्हें? प्रीति और मोहित एक दूसरे से प्यार करते। मैंने उन दोनों को एक साथ रेडियो स्टेशन पे देखा था, फिर घर पे भी देखा। उनसे कहा था कि वो लोग खुद आके तुम्हें बता दे वरना मैं बता दूं, पर इतने टाइम में इतना बड़ा तमाशा हो गया। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा रही है?